तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में एकदम बदलाव आ चुका है और आपने जिस तरह से देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। बात करें बर्फबारी की तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है, जिससे अगर चूड़धार की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह से 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है 1962 के बाद, वहां पर मई माह में बर्फबारी हुई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में इस गर्म जैसे माहौल के बीच में कितना सुहावना मौसम बना हुआ है। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही एक बार फिर से बढ़ेगी और पर्यटन व्यवसाय को भी काफी लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। राजधानी शिमला में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मंगलवार सुबह से ही राजधानी शिमला में बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं मौसम में बदलाव आने से प्रदेश के ऊपरी इलाके यानी लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी देखने को मिली है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में भी कमी आई है। हर जगह बारिश हुई, हर एक जिले में हुई है, और जो ज्यादा बारिश हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा में। और जहाँ तक टेम्परेचर्स की बात है, टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो चुके हैं, और जो मिनिमम टेम्परेचर है उनमें भी गिरावट आया है। और जो लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो वहाँ पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगभग 4 डिग्री का फर्क आया है। तो आज वहाँ 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो ओवरऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, सामान्य से कम आ चुके हैं दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान, और रेनफॉल वाइड स्प्रेड जैसी हुई है, हर एक जिले में बारिश देखने को मिली है। क्योंकि आज तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि ये विक्षोभ जो है अभी मूव कर रहा है ईस्टवर्ड्स, तो आज ये कंडीशन परटेन्स करेंगी स्टेट में। हालांकि रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा, अभी मूव करेगा सिरमौर और सोलन, शिमला में तो है ही है। इसके बाद जो होगा कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कुछ पॉकेट्स में कम हो सकती है, लेकिन कल से ठीक हो जाएगा फॉर द सबसिक्वेंट 4 to 5 डेज। तो हालांकि क्योंकि मॉनसून ऑलरेडी अप्रोच कर चुका है इंडियन ओशन से, केरला के आसपास आ जाएगा 27th के आसपास, तो उससे कुछ हवाएं मॉइस्चर लेडेड विंड्स आती हैं हमारे एरिया में, जो कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कंटिन्यूस बारिश है और इस तरह से कल से उसमें आराम मिलेगा। देखिए मानसून ऑलरेडी एडवांस कर रहा है, तो संभावना है कि जो प्री मानसून रेन्स हैं वो भी थोड़ा सा अर्ली आ सकती है, लेकिन वो भी थोड़ा अर्ली है बोलना, क्योंकि अभी केरला के बाद फिर फर्दर प्रोग्रेस मानसून किस तरह से बिहेव करता है